हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वेश। आज इंडिया में किसी कार का माइलेज कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कारों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसी तरह से लोगों की माइलेज की डिमांड भी बढ़ रही है, ताकि कारें जो हैं उनकी जेब पर भारी ना पड़े। और ये मारुति जो ऐसी कंपनी है जो लोगों की डिमांड को अच्छी तरीके से परखती है, इसीलिए उसने एंट्री लेवल की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार बना डाली। क्योंकि मारुति जो है वो माइलेज मशीन कार बनाने में माहिर कंपनी है, इसीलिए आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सेलेरियो 2022 का। ये सीएनजी वेरिएंट है और इसी का ही हम रिव्यू करेंगे। और आपको बता दूं, इसमें इतना ज़बरदस्त माइलेज क्लेम करती है मारुति कि आपकी बाइक, खड़ी हुई बाइक भी शर्मा जाएगी। फ्रंट से आप देखेंगे तो इसकी ग्रिल काफ़ी शानदार लगती है, क्रोम का यूज किया गया VXI वेरियंट में, और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। हेडलैम्प मिल जाते हैं आपको हैलोजन बेस में, इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बेस में ही मिलती है। इसमें आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है इस वेरिएंट पे, देख सकते हैं डिजाइन काफ़ी अच्छी लग रही है फ्रंट की। फ्रंट से गाड़ी काफ़ी हद तक मारुति सुजुकी एल्टो से सिमिलर लगती है, थोड़ी सी बड़ी वर्जन लगती है, लेकिन फिर भी ठीक है, एंट्री लेवल है, अच्छी है। साइड प्रोफाइल अगर चेक करेंगे तो साइड से अगर हम बात करें तो साइड से भी गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है। वेरियंट की बात करें तो LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस वेरियंट आपको इसमें देखने को मिलता है। टायर साइज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 165/70 R14 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, देख सकते हैं शानदार गाड़ी है। ऊपर आएंगे तो आपको इंडिकेटर मिलेगा, बॉडी कलर में ही आपको ORVMs देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली नहीं है। यहाँ पे बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स भी मिल जाते हैं दोनों ही तरफ, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो अच्छे VXi वेरियंट, सेकेंड बेस्ट वेरियंट है, उसमें इतना फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात है। रियर की प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं, रियर में कैसी ये गाड़ी दिखती है। नीचे बम्पर देखेंगे तो आपको बॉडी कलर में ही बम्पर देखने को मिलता है, किसी तरह की पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको टेल लैंप मिल जाते हैं हाइलोजन बेस में, इंडिकेटर और फॉग लैंप भी हाइलोजन बेस में ही मिलता है। यहाँ पे आएंगे तो आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, नीचे आपको डोर खोलने के लिए दो हैंडल्स मिल जाते हैं। सेलेरियो की बैजिंग, डोर खोलेंगे तो आपको यहाँ पे 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है CNG का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और साथ में स्टेपनी मिल जाती है, पार्सल ट्रे मिल जाता है इस वेरिएंट पे, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब आते हैं पीछे की सीट चेक कर लेते हैं, कैसी पीछे की सीट आपको देखने को मिलती है इस वेरिएंट में। डोर देख सकते हैं काफ़ी वाइड ओपन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाता है, ये स्पीकर की यूनिट मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर्स नहीं मिलता है इस वेरिएंट में देखने के लिए। कुछ इस तरह की सीट मिलती है, सीट देखिए, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं वो भी फिक्स, देख सकते हैं। पीछे पार्सल ट्रे भी आपको मिलता है, जो अच्छी बात है इस वेरिएंट में। बैठने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, कुशनिंग है सीट, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बैठने में। आगे की सीट पूरी पीछे, उसके बावजूद मेरा पैर आराम से अंदर चला जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं दोनों ही तरफ, इधर भी और आप इधर भी ग्रैब हैंडल्स देख सकते हैं। यहाँ सेंटर कंसोल में आएंगे तो आपको पावर विंडो के बटन मिल जाएंगे पीछे के, अच्छी बात है, कम से कम पावर विंडो तो मिल रहा है इस वेरिएंट में। इस तरह का इंटीरियर आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं इस वेरिएंट में आपको पावर विंडो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मारुति दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है, और भी इस वेरिएंट में जो सेकंड बेस्ट वेरिएंट है। फ्रंट का डोर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डोर दिखता है, देख सकते हैं। विंडो कंट्रोल यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको बटन होल्डर्स, मैगजीन होल्डर्स, जो सारी चीज़ें हैं चारों डोर में आपको मिल जाती है। सीट को देख सकते हो यार, हाइट के लिए कोई आपको बटन या फिर एडजस्टमेंट के लिए नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। पैडल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, CNG टू पेट्रोल कन्वर्टेबल, यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल, इस तरह की आपको की मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग आपको नहीं मिलती है इसमें। गाड़ी में बैठते ही आपको स्टीयरिंग देख सकते हैं, आपको कोई मॉनिटर कंट्रोल नहीं मिलता है, नॉर्मल सा स्टीयरिंग मिलता है इस वेरिएंट में आपको। MID आपको डिजिटल नहीं एनालॉग मिलती है, ठीक है, अच्छी लगती है। यहाँ पे आओगे तो इंफोटेनमेंट की कमी खलेगी, यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल मिलेंगे, लॉक अनलॉक आपको मिलेगा, नीचे आपको मैनुअली AC मिल जाएंगे जो अच्छे हैं, ठीक है भाई, मैनुअली AC सही है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, नीचे आपको बॉटल या कप होल्डर जिसको बोलते हैं मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। अब आओगे भाई, यहाँ देखोगे ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छे साइज का मिलता है, छोटी कार है लेकिन फिर भी अच्छा ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, ऊपर आपको मैग्नेटिक मिरर नहीं मिलता है ड्राइवर साइड, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाते हैं। पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, जो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, ये तो रहा मारुति सेलेरियो का रिव्यू, अब आइए बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट
चीज के बारे में। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में। 1 लीटर का इंजन मिलता है जो आपको 65 पीएस की पावर देता है 90 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। ये आपको पेट्रोल की बात कर रहे हैं। सीएनजी में इसका पावर कम हो जाता है, 55 पीएस हो जाता है और 85 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 एयरबैग, ABS CVT, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्री टेंशनर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। कलर ऑप्शन की बात करें, सिल्वर, ब्लू, व्हाइट, ब्राउन, ग्रे, रेड, सभी कलर में आपको ये देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइजिंग की अगर बात करें तो ये आपको 6,69,000 रुपये एक्स शोरूम आपको मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है सीएनजी वेरिएंट है। अब बात कर लेते हैं क्यों इसे लेना चाहिए। इसकी राइवल्स की बात करें तो इसकी राइवल खुद की एस्प्रेसो और रेनो की क्विड है, जो दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं सिटी के लिए। लेकिन ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर पड़ेगी सिटी के लिए, क्योंकि ये गाड़ी आपके काफ़ी पैसे बचाएगी, आपके जेब पे भारी नहीं पड़ेगी और सिटी में काफ़ी बेहतरीन माइलेज देगी। 35 km/h का ये माइलेज क्लेम करती है मारुति इसमें, जो काफ़ी ज़्यादा है। आपकी बाइक भी शर्मा जाएगी इसके माइलेज को देख करके। सिटी पर्पज़ के लिए गाड़ी आपके लिए वरदान साबित होगी। अगर ये गाड़ी पसंद आई हो, इस गाड़ी को आप परचेज करना चाहते हो तो एलबी टैटो मोबाइल गोरखपुर यूपी पर संपर्क कर सकते हैं। शोरूम के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी, हर टाइप की गाड़ियाँ इस चैनल पे आपको मिलती देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।